हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एक कॉस्टली फाउंडेशन और एक अफोर्डेबल। तो मेरे पास है मैक का और एक है मेबलिन का। मैक का शेड है मेरे पास NC37 एंड मेबलिन का है 220। मैक वाले में है SPF 15 एंड मेबलिन वाले में है SPF 22। मैक की रेट है 1750 1750 और मेबलिन की है 500 के आसपास। दोनों ही फाउंडेशन का शेड सिमिलर सा है, एकदम सिमिलर नहीं बोल सकते हैं पर हल्का फुल्का डिफरेंस ही है इन दोनों शेड्स में। और मैक वाला मेरे पास छोटे साइज वाला है 15 ml वाला, ये बड़े साइज का भी आता है, जबकि मेबलिन मेरे पे फुल पैकेज है। तो एक साइड पे मैं मैक लगाऊंगी और एक साइड पे मेबलिन, ताकि आप देख सकें दोनों में कितना डिफरेंस दिखता है। और मैक वाला मैंने मॉल से लिया है अपना शेड चेक करवाकर, क्योंकि मेरे पास कई बार गलत फाउंडेशन आ चुके हैं जब मैंने ऑनलाइन लिए हैं। ऑनलाइन हम देखते हैं जिसका शेड हमारे जैसा दिख रहा है रिव्यू वगैरह में, फिर भी मेरे पास गलत आ चुके हैं 2-3 बार। तो मैंने ये वाला जाके ही लिया था। मुझे वैसे मैक का प्रोलॉन्ग वाला जो आता है, प्रोलॉन्ग भी है फाउंडेशन, वो लेना था, पर मेरे पास ये स्टूडियो फिक्स आ गया। मुझे बाद में पता चला मुझे प्रोलॉन्ग लेना था, क्योंकि वो मैंने कई बार ट्राई किया है, वो काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, बहुत लगाने में आसान होता है और लंबे टाइम तक चलता है। और मतलब ऐसा सारे अगर आपके डार्क स्पॉट्स या कुछ भी हैं वो एक बार में हाइड कर देता है, तो मुझे वो काफ़ी पसंद है। मैक स्टूडियो फिक्स मुझे एक नॉर्मल सा फाउंडेशन लगता है जो हल्का फुल्का कवरेज देता है। तो पहले मैंने वेट वाइप से फेस क्लीन कर लिया, फिर मॉइस्चराइजर लगाया है। आप चाहे तो प्राइमर भी लगा सकते हैं या दोनों लगा सकते हैं, जैसे भी आप लगाते हैं। मैं सिर्फ फाउंडेशन का डिफरेंस देखने वाली हूँ, इसलिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर कुछ नहीं लगाऊंगी। तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है और एक साइड पर मैं मेबलिन का लगाऊंगी। मेबलिन मुझे कुछ खास सूट नहीं होता है, तो फिर भी आप किसी और दो फाउंडेशन का कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉट 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 करके एक साइड पे मेबलिन वाला लगाया है और दूसरी साइड पे मैं मैक लगाऊंगी। दोनों साइड हमने लगा लिया है, हमने कंसीलर वगैरह नहीं लगाया है, सिर्फ फाउंडेशन का कंपैरिजन है। तो दोनों का कलर सिमिलर सा ही लग रहा होगा आपको और थोड़ा सा वाइट लग रहा होगा, पर ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, दोनों ही सेट हो जाएंगे और ये दोनों ही मेरी स्किन को मैच करते हुए कलर हैं, ज़्यादा वाइट नहीं है, ये फ़िलहाल ही लग रहा है आपको। और दोनों में कुछ खास डिफरेंस मुझे पर्सनली नहीं लगता है, दोनों ही सिमिलर से हैं और दोनों लगे हुए भी ऐसा ही लग रहा है, एक ही फाउंडेशन लगाया है। तो मैक स्टूडियो फिक्स से आपको कुछ बहुत ज़्यादा वाला कवरेज नहीं मिलता है। आपको क्या डिफरेंस लगा इन दोनों में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कौन सा फाउंडेशन सबसे ज़्यादा पसंद है आप ये भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।